खबर के साथ, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन ने फैक्ट और फिगर्स सामने रखे हैं। जी हां, दो दिन पहले आम आदमी पार्टी ने दरअसल आरोप लगाया था कि जेल में अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो घटा है, वो भी 8.5 किलो तक उनका वजन घटा है। डिटेल देखिए इस वक्त आपके सामने है। दरअसल तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2024 यानी कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचे थे तो उनका वजन 65 किलो था। इसके अलावा 8 अप्रैल 2024 यानी कि चुनाव प्रचार के लिए जेल से निकलने से एक दिन पहले उनका वजन 66 किलो हो गया। 9 अप्रैल से 2 जून 2024 के बीच केजरीवाल ने जेल के बाहर चुनाव प्रचार किया था। 2 जून 2024 को जब केजरीवाल तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे वापस लौटे तो उनका वजन था 63.5 किलो और 14 जुलाई 2024 यानी कि बीते कल में उनका वजन था 61.5 किलो। इस लिहाज से तिहाड़ जेल प्रशासन का दावा है कि 2 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच केजरीवाल के वजन में सिर्फ और सिर्फ 2 किलो की कमी दर्ज की गई है। यानी आम आदमी पार्टी 8.5 किलो वजन घटने का जो दावा कर रही है वो सरासर गलत है, निराधार है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आई तिहाड़ जेल की मेडिकल रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का जवाब सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि तिहाड़ जेल ने माना कई बार शुगर लेवल कम हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल का शुगर लेवल कम होने पर नींद में वो कोमा में जा सकते हैं, शुगर लेवल कम होने पर ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है। और यही नहीं, संजय सिंह ने यह भी कहा कि तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक भी वजन कम हुआ है। किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जारी करना ये एक अपराध है और एक मुख्यमंत्री की मेडिकल रिपोर्ट एक नहीं कई बार जेल प्रशासन जारी कर चुका। आप ये साबित कर रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए गहरी साजिश रच रहे हैं। ये इस बात का हिस्सा है क्योंकि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन सार्वजनिक नहीं कर सकता जेल नियमों और कानून के मुताबिक। तो पहली बात तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, चलो अपराध किया, चलो आपने जारी कर दिया मेडिकल रिपोर्ट, मैं तो कहता हूं हमारे हक में अच्छा हुआ, लोग जानेंगे तो देश के लोग। ये है मेडिकल रिपोर्ट जिसमें एम्स के डॉक्टरों ने जांच की अरविंद केजरीवाल की, और उस एम्स के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उनको वेट लॉस की भी समस्या है यानी कि उनका वजन कम हो रहा है, और दूसरा हाइपोग्लिसीमिया की कई बार उनके साथ घटना हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद तिवारी मौजूद है। आनंद, अरविंद केजरीवाल के वजन पर बवाल पहले भी मच चुका है, एक बार फिर से ये सुर्खियों में है क्योंकि जेल प्रशासन की तरफ से ये जो लेटर है, ये जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। क्या कुछ कानून कहता है ये भी जानना चाहेंगे पूरी खबर के साथ। क्या इस तरह से जारी किया जा सकता है? देखिए सबीना, जो जेल मैनुअल हैं वो बिल्कुल साफ हैं, वो हर कैदी के लिए बराबर हैं, चाहे वो दिल्ली का मुख्यमंत्री हो या कोई आम कैदी हो। और आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है जब से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है कि उनका जो इंसुलेंस है या उनका शुगर लेवल है उसको लेके या उनके हेल्थ को लेके। लेकिन तिहाड़ प्रशासन ने, जो जेल सुपरिंटेंडेंट ने जो गृह विभाग को चिट्ठी लिखी है उसमें उसने आम आदमी पार्टी के सारे आरोपों से का खंडन किया है, निराधार बताए हैं। और उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल कम खाना खा रहे हैं इसलिए हो सकता है कि उनका वजन जो है वो गिर रहा है, और पूरा बकायदा एक चार्ट बना के जो है वो एलजी और गृह विभाग को दिया है तिहाड़ जेल प्रशासन ने कि अरविंद केजरीवाल की बकायदा जो डॉक्टरों का बोर्ड बना हुआ है उससे उनका हेल्थ का जो है वो वक्त वक्त पे चेकअप कराया जाता है, परामर्श लिया जाता है, और जब भी बोर्ड उनकी हेल्थ का परामर्श करता है तो उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल उनकी भी रजामंदी उसमें होती है। इसके अलावा तिहाड़ प्रशासन ने ये भी कहा है कि कोई भी कैदी जब वो तिहाड़ जेल के अंदर आता है, चाहे वो सजा याफ्ता हो या अंडर ट्रायल हो, कन्विक्टेड हो, उसका बकायदा हेल्थ चेकअप कराया जाता है, चाहे वो पहली बार जेल आए या बार बार जब उसको कोर्ट में पेशी के लिए ले आया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल का भी बकायदा जो डॉक्टरों का पैनल है, जो अस्पताल है तिहाड़ जेल के अंदर, वो उनका शुगर, उनका बीपी बकायदा चेक करते हैं, उसका बकायदा चार्ट बनता है, और वो चार्ट डेली बेसिस पे संबंधित अधिकारियों को, जेल सुपरिटेंडेंट को, इसके अलावा डीजी तिहाड़ को और संबंधित विभाग को भेजा जाता है। चूंकि अरविंद केजरीवाल एक हाई प्रोफाइल कैदी हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर कोई कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए अरविंद केजरीवाल के मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन और ज्यादा
एहतियात और कोताही ना बरतते हुए आम आदमी पार्टी का पक्ष कमजोर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि 8.5 किलो और महज 2 किलो में एक अच्छा खासा अंतर है। और जेल प्रशासन के जरिए जो टाइमलाइन यहां पर दी गई है पूरे सिलसिलेवार तरीके से, पूरे दिन को लेकर, तारीख को लेकर, वक्त को लेकर, वो वाकई बताता है कि किस तरह से वजन घटा बढ़ा, और 8.5 किलो नहीं 2 किलो। ऐसे में अब क्या कुछ सियासत और कानून के बीच में ये टक्कर नजर आती है? देखिए, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था ईडी ने और उसके बाद वो जेल गए थे, उसके बाद एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो मीडिया में बाहर आई थी कि अरविंद केजरीवाल का जो शुगर लेवल है उसको लेके जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे उस पर भी तिहाड़ जेल प्रशासन ने बकायदा उनकी जो डाइट चार्ट है वो LG ऑफिस को दी थी, और उसमें बताया था कि किस तरह से वो आम का सेवन कर रहे हैं, वो मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, और इस बात को लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस दौरान भी तिहाड़ जेल प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे कि उनकी हेल्थ पर जो है वो तिहाड़ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, और अरविंद केजरीवाल की जो सेहत है वो बिगड़ती जा रही है तिहाड़ में, उसको लेकर तिहाड़ प्रशासन ने भी अपनी जो सफाई है वो बकायदा विस्तृत कागजों में एक सरकारी दस्तावेज। मनजिंदर सिंह सिरसा जी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से हैं। मनजिंदर सिंह जी, यहां पर जिस तरह से जेल प्रशासन की तरफ से पूरी टाइमलाइन आई है अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है मान तो रहे कम से कम कि वजन घटा है, और बहुत कुछ हो सकता था सीएम की सेहत के साथ में। देखिए, ये नौटंकी को इनकी नई है, कोई पुरानी तो है, पुरानी है कोई नई तो है नहीं, ये तो रोज ही वो काम करते हैं। तिहाड़ जेल में 10,000 कैदी हैं, और कोई ऐसा कैदी नहीं होगा जिसका वजन नहीं कम होगा, डेफिनेटली सबका ही होना है। वहाँ तो आपकी फिक्स डाइट है, आपको फिक्स डाइट पे चलना। एक दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी तो एक एक महीना फास्टिंग पे बैठते रहे हैं, वो तो भूख हड़ताल पर बैठते रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ कोई ऐसी चैलेंज है। तीसरी बात, जो उनकी हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो डॉक्टर देख रहे हैं। क्या देश के अंदर बाकी जेलों में कैदी नहीं रहते? सभी कैदी हैं, तो क्या उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाती है? किसी की नहीं आती, डॉक्टर है, सब कुछ है। पर अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर उनकी बार पार्टी तो ये नौटंकी करेगी कि देखिए जी उनकी वजन कम हो गया, देखिए ऐसा स्वाभाविक नहीं होता, कभी किसी का वजन कम हो ही नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल जी जब यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे थे तब तो लगता उनका 50 किलो वजन होगा, अब जेल में गए हैं, ऑब्वियसली जेल में वजन भी कम होना है, स्वाभाविक है, इस नेचुरली है, पूरे देश के लोगों का जो भी जेल में जाते हो कम होंगे। लेकिन ये नौटंकी करने की बजाय तो उनको ये बताना चाहिए कि शराब घोटाले के पैसे लिए तो लिए क्यों, उनको ये जवाब देना चाहिए कि इतना करोड़ों रुपया जो कमाया वो लिया क्यों, उनको ये बताना चाहिए कि इतने एक के साथ एक फ्री बोतल जब वो शराब में दे रहे थे उसका हिसाब उनको देना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि वो नकारे जा चुके हैं, लोग उनका साथ नहीं दे रहे और अब ऐसी सिंपैथी लेना चाहते हैं। तो फिलहाल कानूनी प्रक्रिया और सियासी जो उबाल है वो आमने सामने है। शुक्रिया बातचीत के लिए, और आनंद आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अभी सियासत और तेज होती नजर आती है।